Gujarati Dal recipe. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गुजराती दाल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और उसके लिए चाहिए आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून राय, एक टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने 100 ग्राम तुअर डाल लिया जिसे 3 से 4 सीटी मैंने कुकर में लगा दी और फिर बाद में ठंडा होने के बाद में मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है मिक्सर में। ये मैंने लिया है गुड़, 2 लवंग दालचीनी, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, 2 टमाटर को बारीक कट करके लिया है मैंने, आधा इंच मैंने अदरक लिया है जिसे खींच के लिया है, 2 हरी मिर्च ली है और कुछ कड़ी पत्ता लिया है और मैंने लिया है पानी। तो चलिए बनाते हैं गुजराती दाल। मैंने अभी गैस को स्लो आंच पे लिया है, उस पर रखी है कढ़ाई, उसमें ले लिया तेल। अभी तेल गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी जीरा, थोड़ा सा हिला दूंगी, फिर डालूंगी राय, दो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और ये थोड़ा सा हिला दूंगी। अभी डालूंगी थोड़ा सा ये खीसा हुआ अदरक, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें हिला दूंगी। अब डालूंगी टमाटर, ये भी हिला दूंगी और ये दालचीनी और लवंग भी डाल दूंगी। ये टमाटर को ज्यादा पकाना नहीं है, अभी करीबन 1 मिनट हिलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी ये जो मैंने दाल उबाल के ली थी वो। वो भी ऐसे मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसमें डालूंगी हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सब कुछ अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी। अभी सब मसाला दाल में मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डालूंगी पानी, और ये भी थोड़ा दाल इसमें हिला दूंगी। अभी इसमें मैं डालूंगी गुड़, अभी डालूंगी नमक स्वाद अनुसार और वापस एक दाल को थोड़ा सा स्टर कर लूंगी, थोड़ा सा दाल को हिला दूंगी ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी थोड़ा गैस में मीडियम फ्लेम पे करूंगी। जब आप गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे दाल में उबाल आने के लिए तभी उसे थोड़ा सा आप हिलाते रहिए। अभी देखिए दाल में उबाला आ गया है। अभी मैं गैस को स्लो कर दूंगी और 8 मिनट तक दाल को उबलने दूंगी। फ्रेंड्स, अभी 8 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये दाल अच्छी तरह से अभी उबल गई है और सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। अभी आपकी दाल हो गई है, आप गैस बंद कर दीजिए
और अभी इसे आप सर्व कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी मैंने ये गुजराती दाल को सर्व कर दिया है। आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं और बिलीव मी, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन होता है उसे क्लिक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।